जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों फाइनली शाओमी शिवी, एक शाओमी का नया स्मार्टफोन सीरीज का जो पहला स्मार्टफोन है शाओमी शिवी, लॉन्च हो चुका है आज। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ बताऊंगा, इस स्मार्टफोन के क्या क्या ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस हैं, इस स्मार्टफोन का ऑफिशियल प्राइस क्या है, ये इंडिया में दोस्तों आएगा कि नहीं आएगा, मतलब कि ये जो Xiaomi Civi सीरीज के स्मार्टफोन हैं ये इंडिया में आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी बताऊंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। देखो यार, डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको स्पेक्स देता है। अगर आप इसके प्राइस को देखोगे तो जनरली आपको 30,000 रुपए के रेंज में कर्व डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है। Xiaomi पहली बार ये करके दिखा चुका है, इससे पहले टेक्नो किया था लेकिन उसका तो प्राइस 40,000 रुपए तक भाग गया था, फैंटम एक्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो Xiaomi Civi है यहाँ पर आपको 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जो कर्व डिस्प्ले जो दोस्तों बहुत ही अमेजिंग बात है। यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, HDR10 के साथ आता है, DCI P3 का रेगामेट मिलता है, 402 का PPI मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के स्क्रीन प्रोटेक्शन के साथ आता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको डॉल्बी विजन भी मिल जाता है, पंच होल है, नीचे थोड़ा सा चिन्ह देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको वीवो X60 सीरीज का याद दिलाएगा, नहीं तो वीवो X70 सीरीज का। अगर दोस्तों आप डिस्प्ले वाइज देखोगे तो सबसे पहली बात आपको कर्व पैनल मिलता है, तो आपको काफी प्रीमियम फील आएगा, आपको एक फ्लैक्सी स्मार्टफोन का ये फील दे देगा। एक्चुअली ये मिड रेंज फ्लैक्सी स्मार्टफोन है ही, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, तो कर्व डिस्प्ले है, गेमिंग करोगे तो काफी मजा आएगा, कर्व डिस्प्ले पे गेमिंग करने का अपना मजा होता है, थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस होता है। मूवीज देखते वक्त भी काफी मजा आएगा क्योंकि डॉल्बी विजन है, DCI P3 कलर गैमेट है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। और दोस्तों HDR10 को कैसे भूल सकते हैं यार, HDR10 तो अपना सबसे प्यारा है, मूवीज देख लो गेमिंग कर लो, HDR10 सब में हेल्प करेगा, बहुत ही आपके एक्सपीरियंस को इनहेंस कर देगा, ग्राफिक्स को, कंटेंट को, सब कुछ को दोस्तों इनहेंस करेगा ये। तो डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है, काफी प्रीमियम लगता है देखने में अगर आप दोस्तों डिस्प्ले। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरास के बारे में, तो कैमरास भी आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं, ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मैक्रो, टेली मैक्रो भी कह सकते हैं उसको। तो यार कैमरास तो आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं, कोई भी 2 मेगापिक्सल का मैक्रो यहाँ पर नहीं चेपे हम लोगों को, एंड मैं बहुत ही खुश हूँ कि क्वाड कैमरा बना के इसको 2 मेगापिक्सल नहीं लगाए, ट्रिपल कैमरा सेटअप ही रखे अच्छा लगा। यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है, यार बहुत ही अच्छे आप सेल्फी ले लोगे, सेल्फी कैमरा भी बहुत ही अच्छा है, कैमरास वाइज आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, Xiaomi यहाँ पर कॉस्ट कटिंग नहीं किया है, आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया है, जबकि Xiaomi 11T सीरीज के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं जो फ्लैगशिप लेवल के हैं वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। Xiaomi ये काम बहुत ही कम करता है, रेयरली करता है ये काम कि आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दे देता है। UFS 2.2 के स्टोरेज सपोर्ट के साथ आता है, LPDDR4 XLRM टाइप देखने को मिल जाता है, 4500 mAh का बैटरी मिलता है, 55W के फास्ट चार्जर के साथ आता है, Android 11 के साथ रन करेगा, MIUI 12.5 के ऊपर आपको कस्टम UI देखने को मिल जाए। तो मेन स्पेसिफिकेशंस भी दोस्तों बहुत ही शानदार है, मेन स्पेसिफिकेशंस आपको बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अगर दोस्तों हम लोग परफॉर्मेंस की बात कर लें तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 778G मिल जाता है, जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग प्रोसेसर है, सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना हो सके इस स्मार्टफोन प्रोसेसर के साथ उतने स्मार्टफोन्स को निकाल दें, ठीक है ना, तो वही काम Xiaomi भी कर रहा है। ये 6 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, Adreno 642L का GPU मिल जाता है, परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग कर लोगे, डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन रॉकेट की तरह चलेगा, परफॉर्मेंस वाइज कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन देखने में बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल दोस्तों डिफरेंट डिजाइन के साथ आता है, जो कैमरा हाउसिंग है यूनिक बहुत लगता है, छोटा सा कैमरा हाउसिंग है लेकिन जो कैमरास का दोस्तों जो अंदर लेंस लगा हुआ है वो काफी बड़ा लगता है देखने में, जो मेन सेंसर है 64 मेगापिक्सल का उसका डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है, एंड थोड़ा सा आपको दोस्तों IQOO के स्मार्टफोन का याद दिला देगा क्योंकि वैसे कैमरा हाउसिंग बनाया गया है। और अगर आप दोस्तों कलर्स को देखोगे तो आपको ओप्पो के स्मार्टफोन्स का याद आ जाएगा,
वैसे ही आपको रेनो ब्लो कलर के कलर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कलर्स काफी अच्छे हैं। देखने में स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा लगता है, काफी प्रीमियम लुक्स देता है। और अगर आप बैक कवर लगा के यूज करोगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो यार गंदा हो जाएगा, कलर सारे निकल जाएंगे, वक्त के साथ साथ धुंधले हो जाएंगे। तो बैक कवर जरूर लगाना। अगर आगे से देखोगे तो आपको पंच होल देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा नीचे चिन है, कर्व डिस्प्ले है। आगे से देखने में तो बहुत ही अमेजिंग लगता है, खास के कर्व डिस्प्ले है तो यार अलग ही आपको दोस्तों व्यू देखने को मिलेगा। अगर आप दोस्तों बिल्ड वाइज देखोगे तो आपको ग्लास पैक देखने को मिलता है, प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है, और यहाँ पर आपको आगे में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन मिलता है। बस दोस्तों डिस्प्ले वाइज और बिल्ड वाइज और जितने भी दोस्तों डिजाइन वाइज इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम चले, मैं आपको सब कुछ बता दिया। डिजाइन और बिल्ड वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में, प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। भैया ये स्मार्टफोन कहाँ लॉन्च हुआ, इसका क्या प्राइस है? देखो यार, आज ये स्मार्टफोन यूरोपियन मार्केट्स में लॉन्च हो चुका है, कल ये चाइना में लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। चाइनीज प्राइस आपको बताता हूँ मैं, 8+128GB इसका बेस वेरियंट है, जिसका प्राइस है 31,900 रुपए यानी कि 32,000 रुपीज। 8-256 का प्राइस है 35,300 रुपए 35,300 रुपीज। 12-256 का प्राइस 38,700 रुपीज यानी कि 38,700 रुपए। तो आपको प्राइसिंग कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट करके बताओ, अपने ओपिनियंस जल्दी से कमेंट करो। अब रहा सवाल दोस्तों ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा। देखो यार, फिलहाल के लिए Xiaomi CV सीरीज के स्मार्टफोन्स, खास के Xiaomi CV के लिए कोई भी इंडियन अवेलेबिलिटी को लेकर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जैसे दोस्तों इंडियन अवेलेबिलिटी को लेकर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम चलेंगे मैं आपको टेक न्यूज में अपडेट करता रहूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये जो स्मार्टफोन सीरीज है Xiaomi CV, ये इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, ग्लोबली तो जा रहा है, अब इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं मालूम है। तो इंडियन अवेलेबिलिटी को लेकर जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम चलेंगे तो मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा, बता ही दूंगा यार। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ऑल्टरनेटिव के बारे में। तो Xiaomi 11 Lite 5G एनी के लिए आप वेट कर लो, 29 तारीख को लॉन्च हो रहा है, बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। नहीं तो दोस्तों आप Realme GT मास्टर एडिशन की तरफ भी जा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। नहीं तो दोस्तों अगर आपको OnePlus Nord 2 से डर नहीं लगता तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। iQOO 7 भी है, Poco F3 GT भी है, Mi 11 X भी है, बहुत अच्छे अच्छे ऑल्टरनेटिव हैं, आप उनके तरफ जाइए। इसके लिए वेट मत करिए यार, अगर इंडियन अवेलेबिलिटी के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी दोस्तों वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। तो दोस्तों बात यही है कंप्लीट पैकेज Xiaomi CV का। आई होप सो कि आपको ये नए स्टाइल का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप दोस्तों अभी भी कंफ्यूज हो कि मैं क्यों गेम प्ले के ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूं, तो मैं आपको कल के वीडियो में बता ही दिया था कि मेरा जो माइक है वो खराब हो गया है। अभी 2-3 दिन तक मैं गेम प्ले वीडियो ही डाल पाऊंगा, गेम प्ले के ऊपर वॉइस ओवर करूंगा, उसके बाद से फेस कैम वीडियो आने लग जाएंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो उस वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, एम करते हैं 100 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। आपको Xiaomi CV कैसा लगा मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग टेक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, रात को टेक न्यूज भी देता हूँ, तो टेक न्यूज भी दूर से देखा करो। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। We'll be right back.